वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और भाई आज की वीडियो में मैं बता दूं, अभी मैं फिलहाल जा रहा हूं मेरठ। भाई दो तीन काम हैं वो अपने करने हैं और बस यही है, तो चलते हैं। और गाइस आपके जान पहचान में कोई वकील हो तो भाई साहब उनका नंबर देना मुझे ना चूहों पे केस करना है। तो हां जी गाइस, कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं अच्छा दिख रहा हूँ ना? हाँ जी। तो गाइस आज का वीडियो स्टार्ट करने का पर्पस ये है, अभी हमको जाना है मेरठ। आगे की स्टोरी मैं आपको गाड़ी में बताऊंगा। फिलहाल अपना ये है कि टाइम हो चुका है भाई 11, डेट 15 है। तो वैसे न्यू ईयर का ये पहला ब्लॉग है नए साल का, क्योंकि उससे पहले की जो थी वो 220 की ही थी जितनी वीडियो मैंने अभी तक अपलोड की है। तो यार बिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि मैं बोल नहीं पाया वीडियो में। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आप सबके साथ कभी ऐसा हुआ है, आप जूते पहनने के लिए गए और आपको ये हुआ मिला? ये देखो भाई, ये यहाँ था और ये चूहे ने काट दिया भाई, नाश कर दिया। एक नाश और दिखाता हूँ मैंने भाई, एयरपोर्ट खरीदे हैं, एयरपोर्ट प्रो भाई, बहुत महंगे यार बहुत। अभी बताता हूँ ये बने कैसे हैं। तो ये ऐसे बने हैं, ये यहाँ था और ये यहाँ हो गया भाई साहब। एक दो दिन में हमारे यहाँ मिलिट्री आने वाली है चूहों का मारने के लिए भाई, बहुत आतंक मचा रखा, बहुत ही ज़्यादा। देखना ये काट दिया, ये काट दिया। और भाई एक तो मेरे एयरफोन जो है मतलब लीड है वो तो गायब ही है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आई होप आपको अच्छी लगेगी। तो वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं लेते और मुझे काफ़ी झुकना पड़ रहा है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यार देते रहो भाई। सच्ची में ना उन्होंने बहुत ज़्यादा ही बॉम्ब मारे हैं, वो ना ज़्यादा बदमाशी दिखा रहे हैं और ज़्यादा ही बॉम्ब मारे हैं। तो भाई आज ना गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है यार उन पर, मतलब यार हद है, कब्जा कर रहे हैं हर चीज़ पर। तो भाई मैं पहले देखना मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर मैं सही हूँ ना तो सही हुई। तो गाइस मेरठ का मैं आपको बता दूं, मेरठ में इसलिए जा रहा हूं, एक तो जो अपना ये है आईफोन भाई ये ख़राब हो गया। अब ये ख़राब क्या हुआ है वो वहीं जाके पता लगेगा, थोड़ा लैग वगैरह हो रहा है और बैक सा मार देता है भाई, कोई भी ऐप है ना उससे ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है। तो भाई सबसे बड़ा पंगा ये है, और दूसरा पंगा ये है जो गाड़ी है इसका अलाइनमेंट होना है और भी दो तीन चीज़ काम है। तो खाते पीते ऐश करते मौज करते हैं और चलते हैं। ₹30,000 देने पड़ेंगे। तो जी भाई आईफोन को तो रिप्लेस करने के लिए बोल रहे हैं और भाई यहाँ तो होने का नहीं, तो गाजियाबाद जाना पड़ेगा। मैं सोच रहा था यही काम बन जाए, अब जरूरी नहीं है कि गाजियाबाद ही कराएं, हो सकता है दिल्ली भी करा सकते हैं। तो देखते हैं यार भाई जैसा भी होगा, पर यार एक पंगा हो जाएगा ना तो वीडियो मैं अपलोड कर पाऊंगा और करके देंगे। तो अभी तो वो ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत पानी गया, पर यार मैंने पानी में तो ऐसा कभी यूज़ करा नहीं है, क्योंकि अपने पास GoPro है तो वाटर प्रूफ के तौर पे तो ये काम कर जाता है। तो जैसा भी, अब गाड़ी को लेके चलता हूँ भाई सर्विस के लिए, मतलब व्हील अलाइनमेंट भाई वहाँ पे जाने का पर्पस ये है क्योंकि इसका इंश्योरेंस था जो कलेक्ट नहीं किया था, और इंश्योरेंस जो था इसकी RC पे रजिस्टर्ड नहीं हुआ, जिससे भाई प्रॉब्लम हुई हमको, क्योंकि जयपुर जो आपने देखा था कि चलान के लिए रोका था तो इंश्योरेंस वहाँ पे नहीं अपडेट हुआ था, तो वो भी कंप्लेंट करनी थी। और तो मैंने ये सुना है कि टायर चेंज कराने के बाद ही आपको अलाइनमेंट कराना चाहिए, और हमने कराया नहीं, तो वही है चलते हैं। पता नहीं कितना टाइम बताएंगे कितना नहीं, जैसा भी है जो भी है देखते हैं चलते हैं। तो जी भाई गाड़ी जमा कर दी है, अब होगी इसकी वॉशिंग और अलाइनमेंट। भाई एक बात हो तो किस्मत तो बहुत है बेहतरीन है मेरी, जब भी मतलब मेरे साथ कुछ होता है ना सीन वो यहाँ होते ही नहीं, मेरठ में पहले था मतलब पिछले हफ्ते तक भी था सर्विस सेंटर, और अब दिमाग खराब हो गया। पर यार ये जल्दी कराना पड़ेगा, और गाड़ी में भी अभी यार 6 बजे बोल रहे हैं तो रात ही हो जाएगी।
जिंदगी में ऐसा कभी हो नहीं सकता, हम और जाम ना हो। कोई नहीं जी, अच्छी चीज़ है, कभी कभार नहीं लगती, डेली लगती है। ओ भाई लंबा ही जाम है, लंबा ही नहीं किस्मत, या तो खराब है या ज़्यादा अच्छी है, पता नहीं क्यों मिलता है इतना जाम। जहाँ देखो वहाँ जाम, वहाँ जाम, वहाँ ऐसे देखते हैं लोग। देखो वो बाइक पे है और ऐसा देख रहा था, हंस भी रहा है जहाँ पता नहीं क्या हो गया कोई नहीं, चलता हुआ जाम होता था फिर भी नहीं। पर यार मेरठ में ना वैसे मेट्रो का आने वाला है सीन, फिर तो अपने टेंशन फ्री हो जाओ। पर हमारी इधर तो जब भी नहीं होने का यार, कोई नहीं कभी ना कभी तो आएगी, हो जाए जल्दी से ख़त्म जाम, जल्दी से चलते हैं घर घर घर। सुबह आया था यार, शाम होगी 6 बजने वाले हैं, तो वही है बस। तो गाइस टाइम हो चुका है 6:26 और भाई अब आया हूँ घर और लाइट थोड़ी ऐसी आ रही होगी, अब सही आ रही होगी। तो गाइस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आई होप आपको जरा सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक कर सकते हो, वरना डिसलाइक का बटन है, डिसलाइक भी कर सकते हो। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो टिल देन स्टे ट्यून, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और भाई ऐसे प्यार दिखाते रहो। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।